हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। आज हम एक्सेल पढ़ने वाले हैं। एक्सेल में आज मैं आपको टेक्स्ट फंक्शन, तीन फंक्शन है, कॉनकनेट, कॉनकैट एंड टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, इन तीनों में डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है। काम इनका एक जैसा है बट दो नए फंक्शन लॉन्च हुए हैं, कॉनकैट एंड टेक्स्ट जॉइन। ठीक है, तो तीनों में क्या डिफरेंस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब सबसे पहले है कॉनकेट फंक्शन। ये ओल्डर हो गया है लेकिन नॉर्मल लोगों को कॉनकेट ही यूज करते हैं अभी भी। ठीक है, तो कॉनकेट फंक्शन क्या करता है, ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इंटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, कॉनकेट क्या करता है कि टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। किस तरह से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अगर मेरे पास एक सेल में एक टेक्स्ट है, दूसरे में दूसरा, मुझे इनको ज्वाइन कराना है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल यूज कर लूंगा कॉनकैटिनेट फंक्शन। ठीक है, कॉनकैटिनेट, ये देखिए हो गया ज्वाइन। अब ज्वाइन तो हो गया है बट इसमें अगर मुझे स्पेस भी चाहिए तो मुझे उसके लिए भी स्पेस देके यहाँ पर कोमा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है तो मुझे वन बाय वन ही डेटा को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे, और अगर मुझे पूरे उसको सेलेक्ट करना है तो वन बाय वन मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें रेंज नहीं लेता है। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से भी करते हैं, एंड एंड के थ्रू। देखिए, अगर मेरे को इसको ज्वाइन कराना है तो मैं एंड के थ्रू भी ज्वाइन करा सकता हूँ। ठीक है, काम वही करता है। और अगर मुझे इसके बीच में स्पेस देना है तो यहाँ पर स्पेस दे देंगे और यहाँ पर एंड। तो ये था कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट रेंज नहीं पकड़ता है, इसमें वन बाय वन सेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा फंक्शन ये लॉन्च हुआ है, कॉनकैट फंक्शन। ठीक है, कॉनकैटिनेट ए लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये रेंज पे काम करता है। ठीक है, अगर मेरी रेंज है तो मैं रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज ये मेरी, यहाँ पर मेरे को कॉनकैट लगाना है। ठीक है, कॉनकैट फंक्शन, अब मैं डायरेक्ट रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ, करूंगा। देखिए, एक में सारे ऐड हुए। बट जो कॉनकैटिनेट फंक्शन है ये ओनली वन बाय वन सिलेक्ट करेगा, और मुझे कॉनकैट फंक्शन के थ्रू इसको सिलेक्ट करना होगा तो कॉनकैटिनेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां कोमा कर करके वन बाय वन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉनकैट क्या करता है, रेंज पे काम करता है, कॉनकैटिनेट विदाउट रेंज काम करता है। अब तीसरा फंक्शन आ रहा है हमारा टेक्स्ट जॉइन। अब ये दो फंक्शन तो हमारे हो गए। ठीक है, अब फिर टेक्स्ट ज्वाइन को क्यों लाया गया, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या करता है। अब इसमें क्या है कि जब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं कॉनकैट के थ्रू ज्वाइन करा रहा हूँ इनको, देखिए, लेकिन इसमें मैं अलग से कोई स्पेस या वो डाल नहीं सकता, तो इसकी प्रॉब्लम कौन रिसोल्व करता है, टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या करता है कि इसको आप डेलीमीटर के थ्रू रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डेलीमीटर मीन्स, अब देखिए किस तरह से, अब मुझे जैसे इस स्ट्रिंग को ज्वाइन कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लूंगा यहाँ पर, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। ठीक है, अभी पहले पूछा है डेलीमीटर। ठीक है, डेलीमीटर पूछा है, डेलीमीटर को आप कोई भी साइन यूज कर सकते हो जो आप यूज करना चाहते हो। लाइक मैं कोमा यूज करना चाहता हूँ इन सबके बीच में। ठीक है, मुझे कोमा चाहिए। उसके बाद आ रहा है इग्नोर, आप कोमा लगाएंगे। अभी पूछा है इग्नोर एम्प्टी सेल या इंक्लूड एम्प्टी सेल, तो पहले मैं आपको इग्नोर एम्प्टी सेल ट्रू का लेके एग्जांपल चल रहा हूँ। ठीक है, ट्रू कोमा, अब रेंज हमने यहाँ पर सेट कर। अब देखिए जब मैंने डेलिमिटर लिया, मैंने क्या सेलेक्ट किया था, कोमा, तो यह कोमा ले रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने कोमा यूज किया। अगर कोमा की जगह आप कुछ और यूज करते हो, लाइक हाइफन में यूज करता हूँ, देखिए, तो टैक्स जॉइन फंक्शन, अब हमने जो यूज किया था कॉनकेट, कॉनकेट क्या, कॉनकेट में देखिए डेलीमीटर नहीं था, इसमें सिंपल आप नॉर्मल आप ज्वाइन करा रहे थे, लेकिन इसमें आप ना कोमा लगा सकते हो ना आप कोई बीच में स्पेस दे सकते हो, बट इसमें ऐसा पॉसिबल है टैक्स जॉइन में। ठीक है, अब ये तो हो गया ट्रू। ठीक है, ट्रू में क्या होगा, जैसे अगर मेरी कोई एम्प्टी सेल भी है तो उसको ये क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, इस एम्प्टी को ये डायरेक्ट ले लेगा, बट अगर मैं यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स लेता हूं,
ठीक है, तब मैं एंटर करता हूँ। तो अब क्या करेगा, अगर मैं कोई ब्लैंक सेल बीच में है, तो देखिए ब्लैंक को बीच में क्या करा इसने, उसकी जगह छोड़ दी, देखिए बीच में दो हाइफन आ गया। ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू में ये डिफरेंस है, एक में वो एम्प्टी सेल पकड़ेगा, एक में उसको इंक्लूड करेगा, एक में उसको एक्सक्लूड करेगा। तो तीनों फंक्शन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। कॉनकेटिनेट फंक्शन, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, कॉनकेटिनेट हम वन बाय वन यूज करते हैं, ठीक है, और अगर इसमें स्पेस देना है तो बस नॉर्मल इस तरह से नॉर्मल हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे इसी को कॉनकैट से करना है तो कॉनकैट में सिंपल नॉर्मल हम रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर मुझे इनके बीच में कुछ स्पेस कोमा कुछ यूज करना है तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, ठीक है। लाइक डेलिमीटर हमने कोमा यूज कर लिया, इग्नोर एम्प्टी और कोमा, तो इन तीनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।